हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आज हम लोग इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये सब्जेक्ट कैसा है और हमें इसे किस प्लान से पढ़ना है ताकि एग्जाम में हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ पाए। देखो बेटा, एक बात आप समझ लेना कि ये जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग प्यार से सोम बोलते हैं, यार इसको क्या आपको थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा? बोलोगे सर प्यार मतलब पढ़ने को छोड़कर आप प्यार क्यों बोल रहे हो? देखो बेटा, एक बात समझना, ये जो सब्जेक्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ क्या है, थोड़ा सा टफ है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो आपके ओवरऑल जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ोगे एग्जाम में पास हो जाओगे, लेकिन जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो आप फील करोगे कि आपके पर्सनालिटी में और आपके ब्रेन में भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि टफ है। अब तक क्या था, हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना था, है ना, जैसे मैकेनिकल वाले भी सिविल पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो, थर्ड सेमेस्टर में क्या समझो, यहां से आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ईयर तो कॉमन था ना, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे, आपको कंप्यूटर पढ़ना था, आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना था। लेकिन अब क्या है बेटा, अब आपके थर्ड सेमेस्टर से समझो कि आपका इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मन से नहीं पढ़ोगे ना, अच्छे दिल से नहीं पढ़ोगे, अगर प्यार नहीं करोगे, तो ये सब्जेक्ट आपके समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर प्योर कंसेप्ट विथ बेसिक काम करता है, है ना। तो इन सब चीजों में मत रहना ना कि थ्योरी सब्जेक्ट है, लास्ट में पढ़ लेंगे। तो भैया, अब इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। पूरा सिलेबस आपको जब पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस पढ़कर जाओ और बिना कम टेंशन फ्री रहो। अगर एकाध यूनिट से क्वेश्चन टफ भी आ जाएगा ना, तो भी आप पास हो जाओगे जब आप पूरा सिलेबस पढ़कर जाते हो। अब तक क्या था, फर्स्ट ईयर में पेपर हमारे खराब जा रहे थे, क्यों भैया हम लोग पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ते। लेकिन सोम ऐसा नहीं है बेटा, सोम आपको दिल से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको क्या ये चेंज भी करेगा। जब आप इसके साथ भिड़ोगे, कंसेप्ट को सीखोगे ना, तब आपको फील होगा कि आप मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर वन, ठीक है। तो यूनिट नंबर वन में बेटा चार चैप्टर आपको पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर वन है, ठीक है बेटा। चलिए, इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, यहां पर उसका नाम नहीं दिख रहा, ये सारे टॉपिक उसी में आते हैं, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, है ना, शियर स्ट्रेन रिलेशन, ये सारी चीजें आती हैं चैप्टर नंबर टू इलास्टिक कॉन्स्टेंट में। किसमें आती है बेटा, इलास्टिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलो, इलास्टिक कॉन्स्टेंट। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो है ये, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर थ्री जो है, ये है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक चौथा चैप्टर भी है यहां पर, है ना। चौथा चैप्टर क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जब आप बुक से पढ़ोगे ना बेटा, तो बुक में जब आप ये चार चैप्टर कवर करोगे, पहला सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दूसरा इलास्टिक कॉन्स्टेंट, तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और चौथा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तब जाकर क्या होगा, आपका पूरा यूनिट वन कवर अप होगा। तो मैं बच्चों से ये बोलूंगा कि यूनिट वन कवर करने के लिए आप कम से कम 20 से 25 दिन का समय ले सकते हो। मिनिमम आपको 20 दिन लेना और मैक्सिमम आपको 25 डेज लेना है यूनिट नंबर वन में, क्योंकि यहां से क्या चीजें आपकी बेसिक कंप्लीट होंगी। जब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा ना, तो आगे के चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा समय लेना, क्यों समय लेना, क्योंकि यूनिट नंबर वन में ही हम को कैलकुलेटर चलाना सीखना कि कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे,
यूनिट कन्वर्जन सीखना है और साथ ही साथ जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, कंसेप्ट है। देखो अब तक क्या था बेटा, अब तक सिर्फ आप क्या पढ़ते आ रहे थे, थ्योरी और न्यूमेरिकल। अब क्या थ्योरी भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा बेटा आपका, और साथ में डेरिवेशन भी रहेगा। तो मैं एक बात आपको बोल रहा हूं बेटा, प्लीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हल्के में मत लेना, वरना ये आपको नागिन डांस करवाएगा। आप कोर्स लीजिए, अच्छे मन से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, अपने कंसेप्ट को बिल्टअप कीजिए, क्योंकि ये बात आप भूल जाओ कि जो क्वेश्चन आप करके जा रहे हो वही क्वेश्चन आएगा। एकदम अपने दिमाग में ये सब चीजें मत डालना, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, वही कंसेप्ट से ही क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब आपको थोड़ा सा मेच्योर बनना है बेटा। देखो थर्ड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमें थर्ड सेमेस्टर को भी कवर अप करना है, साथ ही साथ जो हमारा सेकंड सेमेस्टर में एक आध दो पेपर बैक लगने वाला उसे भी कवर अप करना है बेटा। तो यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अगर आप यूनिट नंबर 1 पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम इससे 28 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही, क्योंकि चार चैप्टर है बेटा। हाँ चार चैप्टर बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए यूनिट 1 पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। बोलोगे सर यूनिट नंबर 3 क्यों, क्योंकि देखो छोटा सा चैप्टर है ना ये आपका, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट है ना, ये एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें भी क्या है बेटा, डेरिवेशंस हैं, इसमें भी क्या है आपके डेरिवेशंस वगैरह हैं, ठीक है, और साथ में साथ थ्योरी भी है और आपका न्यूमेरिकल भी। लेकिन एक बात समझना, सारे चैप्टर्स में डेरिवेशंस भी है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो ये सब दिमाग में मत डालना कि सर हम तो थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे। भाई साहब न्यूमेरिकल पेपर है और आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा पास होने के लिए, इन सब चीजों मत पढ़ना, है ना। आजकल बहुत ईडी में भी लोग सोचते हैं छुरी पढ़ के पास हो जाएंगे, तो कुछ भी चल रहा है देश में, तो भैया उस कुछ भी का हिस्सा आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप इसे अच्छे मन से पढ़ो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो जैसे आपका यूनिट नंबर 3 हो जाएगा बेटा, हम लोग आ जाएंगे यूनिट नंबर 2 में। अब देखो यूनिट नंबर 2 में कितने चैप्टर है ये आप समझ लो, क्योंकि यूनिट नंबर 2 क्या है आपका, बड़ा है। देखो यूनिट नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ना है इसमें शियरिंग स्ट्रेस। क्या पढ़ना है बेटा? शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना है शियर फोर्स मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है बेटा। और चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना है मैकाले मेथड, इसमें आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। क्या बोल सकते हैं बेटा? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, देखो ये 2 चैप्टर्स है ना ये थोड़े ज्यादा टफ है ना, और ये बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, तो अगर आप इसमें फंसोगे ना तो हो सकता है कि आप फंस के रह जाओ। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, यूनिट नंबर 1 अपन लेंगे 20 से 25 दिन, उसके बाद आप यूनिट नंबर 3 करोगे ये आपका 10 दिनों में हो जाएगा आराम से, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो 4 चैप्टर है ना, तो 4 चैप्टर में ये 2 चैप्टर हम लोग पहले कर लेंगे, ये 2 चैप्टर आप आराम से 10 दिनों में कर सकते हो। बोलोगे सर इन चैप्टर का क्या, देखो इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ना, क्योंकि ये फंसाएगा। ये जो शियर फोर्स मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, इसके लेक्चर्स कम से कम आपको 5 से 6 बार देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपके दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज घुसने वाला नहीं। लेकिन आप सोचो कि अगर 5 से 6 बार आप अगर पढ़ोगे इसे, ठीक है, और बार बार पढ़ोगे तो समय बहुत जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको आपको लास्ट में प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा चैप्टर नंबर 1, सॉरी यूनिट नंबर 1, उसके बाद यूनिट नंबर 3, उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2, ठीक है बेटा। और यूनिट नंबर 2 में भी क्या, यूनिट नंबर 2 में बेंडिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और थोड़ा सा मैं ये डाल दूंगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का इंट्रो डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए चलो उसके बाद आप कहां पे आ जाओगे बेटा, उसके बाद आप आ जाना यहां पे यूनिट नंबर 5 में, जो कि है कॉलम एंड स्ट्रट। यहां पर भी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, ये आपको अच्छे से करके जाना है बेटा। और यूनिट नंबर 5 पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 4, यहां पे अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर, ये आपको पढ़कर जाना है। तो कुल मिलाकर आपको पूरा सिलेबस पढ़कर जाना है। बस आप अगर एक चीज है जो आप हल्का सा छोड़ सकते हो वो है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो क्योंकि ये टफ है बेटा। तो मैं चाहूंगा इसके साथ भिड़ना,
अगर भिड़ते भिड़ते थोड़ा सा आप डीमोटिवेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इस टॉपिक को आप लीव कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करके जाना है, एक भी सिंगल टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। आई बात समझ में? ये जितने चैप्टर्स है ये मैंने बुक से पढ़ाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप उसे अच्छे से कवर अप कर लोगे, ठीक है ना। चले तो हम लोग कहां पर है बेटा, हम लोग हैं सिलेबस के वीडियो में। देखो अभी क्या है ना, मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा ना, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले चैप्टर स्टार्ट हो, उसके बाद जब उसके बारे में बातें होंगी तो आपको समझ में आएगा। तो जब भी मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसके डिटेल्स बताऊंगा आपको कि कॉलम एंड स्ट्रट में कॉलम क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़नी, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो भाषणबाजी लगेगा, समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा आपके, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी आप कहां पर हो, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। इसके बाद में आपको यूनिट वन के मानकर चलो 7 डेमो लेक्चर्स दूंगा, कितने 7 डेमो लेक्चर्स दूंगा, और ये जो लेक्चर्स हैं बेटा ये पुराने लेक्चर्स मेरे शूट किए हुए हैं। अब आप बोलोगे सर पुराने लेक्चर नहीं हमें नया चाहिए, देखो बेटा एक बात समझना कि ये जो पुराने लेक्चर्स हैं ये बेसिक लेक्चर है और मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया, तो जो चीजें मेरे पास अच्छे से हैं, जो बेसिक लेक्चर है बेटा वो तो बेसिक लेक्चर हमेशा से वही रहेगा, बेसिक कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हाँ इतना है कि सोम को मैंने दिल से पढ़ाया है, आप अगर दिल से पढ़ोगे तो कहीं स्ट्रगल नहीं करोगे, और अगर आप सोचोगे कि इसी सब्जेक्ट को पास होना है तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, ये आप लिख कर रख लो। तो फिलहाल नए और पुराने से कोई मतलब नहीं है बेटा, कंटेंट में जो आपको दूंगा उसके लिए आप मत परेशान हो, अच्छा कंटेंट हो पूरा, जब हम लोग पढ़ के जाएंगे ना तो एक आध क्वेश्चन अगर टफ भी आएगा तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा स्विच करने का, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि सर अरे यार पुराना दे दो, देखो पुराना जो लेक्चर मैंने शूट कर दिया ना, क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था सोम पढ़ाने स्टार्ट करा था, बहुत समय होता था उस समय, अभी क्या एक दिन दिमाग में रहता है कि नहीं यार इसके बाद ये लेक्चर उसके बाद, उसमें कुछ भी नहीं था ना, बच्चे थे और समय बहुत सारा था, तो कोई भी प्रेशर नहीं था, जो काम करा मैंने बहुत अच्छे से करा, तो आपको लेक्चर समझ में आएंगे। और हाँ पुराने लेक्चर्स भी हैं उसमें, नए लेक्चर्स भी, ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे ना थ्योरी ऑफ फेलियर, तो थ्योरी ऑफ फेलियर मैंने डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया है और अभी अपडेट भी होगा, यूनिट नंबर 5 मुझे अपडेट करना है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अपडेट हुआ, पहले 7 लेक्चर थे अभी 9 लेक्चर है, तो चीजें अपडेट हुई है, जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें अपडेट हुई है, ठीक है ना। चले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, आप जाकर डेमो लेक्चर आराम से अटेंड कर सकते हैं। कुछ ऑफर चल रहा है बेटा अभी, आप ऑफर समझ लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी मिल रहा है आपको 699 का, आपको कूपन कोड यूज करना है इरफान, ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स 3 है बेटा, ये भी अभी 699 में मिल रहा है आपको, इसमें भी आपको सेम कूपन कोड इरफान यूज करना, और ये जो ऑफर वैलिड है ये 31 जुलाई तक है ना, इसके बाद आपका ऑफर नहीं रहेगा और ना कोई फीस में डिस्काउंट होने वाला है। मैथमेटिक्स 2 बच्चों का अच्छा नहीं गया, तो जिनको मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है उनके लिए फीस 500 रुपए, और जिनका ग्राफिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया है ना बेटा, उनके लिए भी अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो ये 699 हो जाएगा। तो भैया मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर M2 और ED आपका अच्छा नहीं गया है तो भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों पढ़ना स्टार्ट कर दो? क्योंकि अगर इन दो सब्जेक्ट में बैक लगा थर्ड में तो ये फोर्थ में हो जाएगा मर्सी। और भैया एक बात समझना, अभी कुछ भी कर रहा RGPB वाला, हो सकता है क्वेश्चन एकदम टफ पूछ दे, आप फंस जाओ, तो भैया मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी बच्चा पेपर मर्सी तक लेकर जाए। जो पेपर आपका खराब गया मान लो अभी से कि बैक है, और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 भी टफ है, ग्राफिक्स भी टफ है, मैथमेटिक्स 3 भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैकेनिकल वालों को थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो भैया बहुत सारा काम करना, ऐसा नहीं है कि बस अपन जैसे जैसे, अपन को बहुत अच्छे से मेहनत करना है इस सेमेस्टर में, और मेहनत करेंगे ना मेहनत का फल आप देखना, ऊपर वाला मेहनत का फल देता है। हम लोग फंसे थे सेकंड सेमेस्टर में, क्यों? शॉर्टकट मार रहे थे ना, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जा रहे थे। जब पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे ना, वो मतलब एक मान के चलो वो एक अलग कॉन्फिडेंट देता है बेटा, और कॉन्फिडेंट एग्जाम में दिखता भी है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का कोई ऐसा पेपर है जो अच्छा नहीं गया है तो भैया उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि थर्ड सेमेस्टर में रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट आएगा लेट से फिर प्रिपरेशन हो जाएगा गोबर, तो वो काम अपन को नहीं करना है। थर्ड सेम को भी लेके चलना है और सेकंड सेम को भी लेके अच्छे से चलना है, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।